हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू इट नाउ। अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल जी ने CBSE से बोला है 10th and 12th क्लासेस के बोर्ड एग्ज़ाम्स इस साल कैंसिल करने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा हमारे चीफ मिनिस्टर ने बोला है। CBSE को अपील करी है कि कोविड के जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए CBSE बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएँ। मैं आपके साथ अभी जो केजरीवाल जी ने इंटरव्यू में अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप उस वीडियो को देखिए और आप खुद जान जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा था। केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में, अभी जो रिपोर्ट आई है मेरे पास, उस पिछले 24 घंटे में 13,500 केसेस हो गए हैं। नवंबर में जो पीक आई थी उसमें 8,500 केस थे, उसके मुकाबले 13,500 केसेस ऑलरेडी हमारे हो गए हैं। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हम बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स को अटैच कर रहे हैं, तो जो थोड़े से कम बीमारी वाले मरीज होंगे उनको फिर बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट कर देंगे। अस्पतालों में केवल और केवल सीरियस मरीज ही रखे जाएं। अभी CBSE के एग्ज़ाम आने वाले हैं, 6 लाख बच्चे दिल्ली में CBSE के एग्ज़ाम में बैठेंगे, 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है, लेकिन CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि भी आपने देखा, हमारे दिल्ली के CM श्री अरविंद केजरीवाल ने अभी अभी बताया है कि CBSE एग्ज़ाम कैंसिल हों, ऐसी उन्होंने अर्जी लगाई है सेंटर से। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की जो CBSE बोर्ड परीक्षाएं होनी है इस साल वो ना हो, क्योंकि जो कोविड है वो बहुत ज़्यादा दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले 24 घंटे में 13,000 कुछ मामले आए हैं फिर से दिल्ली में, जो कि एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे CM ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करी है कि CBSE के जो एग्ज़ाम हैं वो रद्द कर दिए जाएं इस साल, या एग्ज़ाम जो है वो किसी और तरीके से, ऑनलाइन तरीके से लिए जाएं, या बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के बेस पर पास कर दिया जाए। तो ऐसा केजरीवाल जी ने कहा है। तो एक बच्चों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि शायद ऐसा हो, क्योंकि उनको लग रहा था बहुत टाइम से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें पेपर देने हैं या नहीं देने हैं। तो आई थिंक अब कुछ क्लैरिटी शायद उनको कुछ ही दिनों में मिल जाएगी कि CBSE जब कोई डिसीजन लेगा, क्योंकि अगर हमारे CM ने बोला है तो शायद हो सकता है कि कोई कदम वो उठाएं ऐसा CBSE, जिससे जो सबके बच्चों के, सभी बच्चों के हित में हो। साथ ही साथ केजरीवाल जी ने ये भी बोला है कि जो शिक्षक हैं, लगभग 1 लाख जो शिक्षक हैं उनको परीक्षा लेनी होती है, और दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट्स बन जाएंगे अगर इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे, 6 लाख बच्चे CBSE के एग्ज़ाम में अगर बैठे तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपील करी है CBSE से कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाएं, और उन्होंने ये भी बोला है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए या इंटरनल असेसमेंट हो जाए। तो लेट्स सी, उन्होंने अपील करी है, देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि केसेस इतने बढ़ गए हैं कोविड के कि इट इज़ वेरी एसेंशियल कि कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप जल्दी और समय पर लिया जाए, बच्चों को भी क्लैरिटी मिले, टीचर्स को भी क्लैरिटी मिले, उनको साफ साफ पता हो कि हाँ बोर्ड होने हैं या नहीं होने हैं, और कैसे रिजल्ट बनाना है बच्चों के लिए ताकि नया सेशन जो है वो शुरू हो सके। और इस ऐसी सिचुएशन पहले कभी आई नहीं है, तो इसलिए सबके लिए ये नई चीज़ है। और इस बारी जो लहर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जैसे कह रहे हैं कि इस लहर में युवा और बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं आप कि 65% मरीज़ 45 ईयर्स की कम उम्र के हैं जिनको कोविड हो रहा है इस बारी। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी अलार्मिंग थिंग टू नो कि ऐसा भी हो रहा है कि अब छोटे उम्र के लोगों को ज़्यादा हो रहा है ये। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है ये,
एंड आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल एजुकेटेड. आप सब देखते हो न्यूज़, आपके साथ इतनी बातें मैं जैसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप और जगहों पे सुनते होगे, देखते होगे, आपके आसपास लोग बताते होंगे, टीवी पे देखते होंगे आप कि कैसे आपने अपना ध्यान रखना है. एंड जस्ट स्टे एट होम, आप अपने घर पे रहिए, ठीक है, और मास्क पहनिए जब बाहर जा रहे हैं, हाथ धोइए बार बार, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है अभी इस बारी की वो बेटा ज़्यादा ख़राब लग रही है. सो माय अपील फॉर ऑल ऑफ यू इज़ कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए अपना ध्यान रखो. एग्ज़ाम्स के बारे में जल्द ही आपको पता चलेगा, जैसे ही पता चलेगा आई विल इन्फॉर्म यू हियर, मैं आपको यहाँ बताऊँगी. बाकी आप न्यूज़ वगैरह भी देखते ही रहते हैं, लेकिन आप अपने जो स्कूल से जो भी आपको मैसेज आएगा उसी पर विश्वास करना आप, ठीक है ना. ये नहीं कि कहीं से भी आपने सुन लिया, किसी ने बोल दिया, रूमर सुन लिया आपने कि नहीं हो रहे नहीं हो रहे, ऐसे मत करना. जस्ट वेट फॉर योर टीचर्स मैसेज, अपने स्कूल के अध्यापकों के मैसेज का इंतज़ार करिएगा. आपको वहाँ से बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बताया जाएगा कि आपके पेपर होने हैं या नहीं होने हैं और किस हिसाब से आपका रिजल्ट होगा. सो अभी के लिए यही एक जो बड़ी न्यूज़ है वो यही है कि केजरीवाल जी ने अपील करी है CBSE को, तो लेट्स वेट एंड वॉच. अभी आप देखते रहिएगा अगले एक दो दिनों में अगर CBSE कोई अपना निर्देश जारी करते हैं नया, तो आपको ज़रूर मैं बताऊंगी यहाँ पे. ओके ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय.